नमस्कार, मैं लाजवंती पारवानी GWPC अजमेर से। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे टाइप्स ऑफ ओनरशिप पढ़े, जैसे कि सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम इन्हीं टाइप्स ऑफ ओनरशिप जो हमने पढ़ी थी उनमें हम कंपैरिजन देखेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप, यानी कि एकल स्वामित्व व साझेदारी में अंतर। देखो, हमने पहले नाम से ही पता चल रहा है कि एकल स्वामित्व यानी कि इसे एक व्यक्ति ही संभालता है, अकेला व्यक्ति इसका ओनर होता है। और पार्टनरशिप, साझेदारी, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कम से कम दो या अधिक से अधिक 20 सदस्य हो सकते हैं। और बैंकिंग व्यवसाय में, जो अगर साझेदारी में बैंकिंग व्यवसाय शुरू किया गया है, तो उसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इधर कि इसकी स्थापना का क्या अंतर है इनकी स्थापना में। तो एकल स्वामित्व की स्थापना क्या है, बहुत सरल है। इसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, इसको कोई भी व्यक्ति अगर सोच रहा है तो वो उसको उसी समय शुरू कर सकता है। अब पार्टनरशिप में भी हालांकि ऐसे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पर इसमें कुछ ना फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। अगर हम बहुत कुछ लोग मिलकर ना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अग्रीमेंट करना पड़ता है, अनुबंध को पूरा करना आवश्यक होता है। उस बिना अनुबंध के साझेदारी अस्तित्व में नहीं आ सकती है। हालांकि ये आपकी मर्जी है, आप बिना उसके भी अनुबंध के भी कर सकते हो, पर अनुबंध करना इससे सही रहता है कि आगे अगर कोई इन्हें प्रॉब्लम हो जाए तो आप वो पेपर वर्क आपका पूरा किया हुआ हो तो आपको वो कोई भी, अगर आपको कोई केस वगैरह करना हो तो उसमें आपको हेल्प करेगा। और इसमें आप बाउंड, इसमें जो साझेदार है वो बाउंड भी रहेंगे एक दूसरे की जिम्मेदारी के प्रति। ठीक है, अब हम इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इसमें रिसोर्सेस, मतलब जो आपके जो पूंजी के रिसोर्सेस हैं, कैपिटल के रिसोर्सेस हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। तो सोल ट्रेडिंग में चूंकि हमें पता है कि एक ही व्यक्ति होता है, तो इस प्रकार के व्यापार में क्या होता है, जो साधन काफ़ी सीमित होते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति उन्हें जुटाता है, वो बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं अकेला इकट्ठी कर पाता है। तो इसी के कंपैरिजन में ऑब्वियसली पार्टनरशिप में लोग ज़्यादा हैं, तो इसके जो साधन हैं, पूंजी है, प्रबंध है, कुशलता है, आदि सारी चीज़ें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं क्योंकि कई साझेदार मिलकर इसमें व्यवसाय चलाते हैं। स्किल भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें क्या है, सोल ट्रेडिंग में एक व्यक्ति में कितनी स्किल्स हो पाएंगी, इतनी हर चीज़ में वो स्किल्ड नहीं हो सकता, हर चीज़ में वो कुशल नहीं हो सकता है। तो पार्टनरशिप में ये चीज़ भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। और आगे डिफरेंसेस देखते हैं इसमें क्या है कि डिसीजन जो होता है वो इसमें सोल ट्रेडिंग में एक व्यक्ति द्वारा ही लिया जाता है, तो इसमें क्या है कि उसको किसी भी व्यक्ति की सहायता लेने की या सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एक वो डिसीजन लेने में तो बिल्कुल फ्री रहता है, लेकिन उससे क्या नुकसान है कि वो कई बार इसमें जल्दबाजी में गलत और उतावले निर्णय भी ले लेता है। ठीक है, और इसी के कंपैरिजन में पार्टनरशिप में जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं, कोई महत्वपूर्ण मैटर है, तो उसमें क्या है, सब साझेदारों की सहमति ली जाती है, फिर कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि डिसीजन लेने में देरी ज़रूर हो जाती है, पर मोस्टली वो सूझबूझ से ही लिए जाते हैं। ठीक है, अब सोल ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति तक ही सीमित रहने से इसमें सीक्रेसी मेंटेन रहती है, लेकिन साझेदारी में क्या होता है, कई सारे पार्टनर्स हैं, वो कोई सी भी ना कोई भी चीज़ लीक कर सकता है, तो गोपनीयता बने रहना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि इसका जो कार्य क्षेत्र होता है, अब सिंपल ना सीधी सी बात है, सोल ट्रेडिंग में अकेला व्यक्ति अपने जो वर्क को कितना फैलाएगा, वो हर फील्ड में अपनी अप्रोच नहीं बढ़ा सकता है, उसका वो कार्य क्षेत्र सीमित रह जाता है। और पार्टनरशिप में यही कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सोल ट्रेडिंग में जो भी लाभ है या हानि है उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति होगा, जबकि पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब साझेदारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बट जाता है। इसमें कैसा होता है कि भाई जैसे किसी ने अपना ज़्यादा हिस्सा लगाया है,
तो अगर लाभ हो रहा है, अगर वो ज़्यादा पूंजी लगा रहा है और उसने कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा उसका हिस्सा लिखा हुआ है तो उसको उसका प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, किसी को कम हिस्सा मिलेगा। तो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साझेदार इसमें जोड़ते हैं, किसी ने कम अपनी पूंजी लगाई होती है, किसी ने ज़्यादा लगाई होती, कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कोई ज़्यादा केवल अपना नाम देता है और अपनी पूंजी देता है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में सब लिख दिया जाता है, जो भी अग्रीमेंट किया जाता है उसमें सब लिख दिया जाता है कि किसको कितना प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा, और अगर लॉस भी हो रहा है तो किसका लॉस शेयर कितना होगा। तो जो प्रॉफिट और लॉस शेयर है वो अग्रीमेंट के अनुसार बट जाता है। अब एकाकी व्यापार में क्या है, नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं। एकाकी व्यापार में क्या है कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी है वो स्वयं एकाकी व्यापारी बन जाता है, और अगर उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो व्यापार वहीं समाप्त हो जाता है। जबकि पार्टनरशिप में इतने सारे पार्टनर है, कोई भी एक पार्टनर की मृत्यु हो गई तो ज़रूरी नहीं है जो उसका उत्तराधिकारी है वो उसमें साझेदार हो जाए, ये चीज़ उसमें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या, साझेदारी खत्म जरूर हो सकती है पर ऐसा इसमें जरूरी नहीं है। तो ये तो हमारे क्या थे, सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप के डिफरेंसेस। अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि साझेदारी व संयुक्त पूंजी कंपनी में क्या अंतर है। अब इसमें देखते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि साझेदारों से पृथक कोई उनकी जो संस्था होती है, उनका जो व्यवसाय होता है, उसकी कोई कानूनी उपस्थिति नहीं है और इसका पंजीकरण भी कराना आवश्यक नहीं है। देखो, पार्टनरशिप संस्था का पंजीकरण होता है, उसमें एक अधिनियम बना हुआ इसके तहत होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि उसका पंजीकरण कराया जाए, ठीक है। और इस है ना, अगर साझेदारों से पृथक अगर उस कंपनी का नाम ले लिया जाए तो उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। जबकि इसके विपरीत जॉइंट स्टॉक कंपनी का उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो अंशधारी है या जो पूंजी लगाते हैं, उससे पृथक उस कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस है, कानूनी उपस्थिति होती है, और इस प्रकार की कंपनी का पंजीकरण कराना भी आवश्यक है, अदरवाइज वो कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। तो इसके ना शेयर होल्डर्स अलग रहते हैं और कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस अलग होता है। इसी प्रकार इसमें पार्टनरशिप में जो सदस्य हैं वो जो भी गैर बैंकिंग व्यवसाय है उसमें 20 तथा बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो दो प्रकार की होती है हमने देखा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मैक्सिमम है 50 मेंबर्स हो सकते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई भी इसकी संख्या नहीं होती, असीमित हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, पार्टनरशिप में क्या होता है, साझेदारों की इच्छा के अनुसार व्यापार कोई सा भी स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कुछ पार्टनर्स मिले और उन्होंने सोचा कि चलो हम ये वाला बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो अपना कोई सा भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता है, जो उसने अपने प्रॉस्पेक्टस, जो अपने प्राप्य विवरण उसने दिए हैं, वो उसमें जो उसने व्यापार लिखा है वो उसी का व्यापार कर सकती है, क्योंकि इसका बकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, लीगल रजिस्ट्रेशन होता है, और उसमें उतनी ही पूंजी इसमें लगाई जा सकती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट इसका है कि इसमें मैंने पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो दायित्व होते हैं, हर व्यापारी का अपना सबका उतना ही दायित्व होता है जितना कि एक व्यापारी का, उतना ही दूसरे का उस कंपनी के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार जो लायबिलिटीज़ हो जाती है वो अनलिमिटेड हो जाती हैं पार्टनरशिप में। इसलिए एक जो पार्टनर है कोई भी अकेला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी जोखिम उठाने से डरता है, क्योंकि फिर उसमें जिम्मेदारी सबकी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और इसी के विपरीत जॉइंट स्टॉक कंपनी में दायित्व जो होते हैं वो सीमित होते हैं, जो शेयर होल्डर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है, उसके द्वारा लगाए गए जितने वैल्यू के शेयर्स लगाए जाते हैं उतने तक ही उसकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें पार्टनरशिप में जो भी पूंजी होती है, जो भी संपत्ति होती है, वो साझेदारों की खुद की लगाई हुई होती है, ठीक है। यानी खुद जितने भी पार्टनर्स हैं अपनी अपनी खुद खुद की पूंजी लगाते हैं, तो वो जो संपत्ति होती है वो साझेदारों की कहलाती है। जो भी उस पर पूंजी लगाई गई है या जो उस पर पूंजी टोटल इकट्ठी हुई है वो पूंजी साझेदारों की कहलाती है। पर इसके विपरीत जॉइंट स्टॉक कंपनी में कितने भी लोग हों, कितने भी सदस्य हों, पर वो संपत्ति जो है, वो पूंजी जो है, वो कंपनी की कहलाती है, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि प्रत्येक साझेदार इसमें प्रबंध का कार्य कर सकता है। जैसे पार्टनर्स हैं, 20 पार्टनर्स ने मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट की, तो कोई भी इसके मैनेजमेंट को संभाल सकता है, कोई दो या तीन व्यक्ति या कोई और भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रबंध में कुशल हो तो उस प्रबंध को संभाल सकते हैं। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो उसका जो मैनेजमेंट है, जो शेयर होल्डर्स जो मैनेजर्स चुनते हैं, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं, उस निदेशक मंडल द्वारा इसका मैनेजमेंट संभाला जाता है। बाकी शेयर होल्डर्स इसमें प्रबंध के कार्यों से फ्री रहते हैं, उसका उनके प्रबंध से लेना देना नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो पार्टनरशिप है उसमें जो भी लेखा यानी अकाउंट्स, बैलेंस शीट व अन्य प्रकार के जो भी विवरण हैं, जो भी लेखे जोखे के विवरण हैं और जो सूचनाएं हैं वो तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी, वो करते हैं पर ज़रूरी नहीं है उनके लिए कानूनन। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में चूँकि इसका बाकायदा कानूनी एग्जिस्टेंस होता है और उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो इनको अपने लेखा, बैलेंस शीट व विभिन्न प्रकार के विवरण, रजिस्टर व सूचनाएँ तैयार करना बहुत आवश्यक है। और उनको ये चीज़ें प्रेजेंट भी करनी होती है, उनको अपनी वो जो वार्षिक रिपोर्ट भी छापनी होती है, और ऐसा नहीं करने पर क्या होता है कि वो कंपनी सरकार की तरफ से दंड भी पा सकती है। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है, पार्टनरशिप में किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर या वो अपना हिस्सा हटा लेता है तो उससे व्यापार प्रभावित होता है और समाप्त भी हो सकता है। साझेदारी ख़त्म हो जाती है तो वहीं वो व्यापार समाप्त भी हो सकता है। पर इसके विपरीत जॉइंट स्टॉक कंपनी में किसी भी शेयर होल्डर की मृत्यु हो जाने से व्यापार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मृत्यु हो जाती है, मतलब वो तो छोड़ो, पर अगर अपना हिस्सा भी वापस ले लेता है तो उससे कोई सिस्टम पर प्रभाव नहीं पड़ता उसके, ठीक है। इसके इसमें हम देखते हैं पार्टनरशिप में कि अधिक पूंजी इकट्ठी नहीं की जा सकती, मतलब जितनी पार्टनर्स के पास पूंजी, अगर 20 व्यापारी है वो अपनी जितनी मैक्सिमम पूंजी लगा सकते हैं, उनके पास जितनी पूंजी उतनी ही वो इकट्ठी कर सकते हैं। पर इसमें कंपैरेटिवली चूंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स इशू किए जाते हैं मार्केट में और लोग पूरी पब्लिक कोई भी खरीद रहा होता है, तो इसमें शेयर्स के थ्रू काफ़ी सारी पूंजी इकट्ठी की जा सकती है। और नेक्स्ट हमारा इसमें कंपैरिजन है, पार्टनरशिप में जो नियंत्रण जो है वो साझेदारों में बटा होने से कभी कभी प्रबंध में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मैंने आपको बताया कि कंट्रोल सबके हाथ में होता है, इसलिए उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है और प्रबंध भी कोई भी संभाल सकता है इसमें, तो इसमें जो कंट्रोल है सब साझेदारों के हाथ में, तो कई बार यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो जाता है। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि सारे सदस्य हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है प्रबंध के प्रति और कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें जो कंट्रोल होगा वो शेयर होल्डर्स द्वारा चुने गए निदेशक मंडल का ही होता है, तो वो ही प्रबंध संभालते, तो इस प्रकार उसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा व दक्ष होता है। तो ये तो हमने देखे किस में डिफरेंसेस, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक में हमने डिफरेंसेस देखे। अब हम आगे देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहले हम देखेंगे कि मतलब सहकारी समिति व जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, हमने देखा कि कोऑपरेटिव समिति का जो उद्देश्य होता है वो सेवा का होता है, सर्विस मोटिव के लिए ये संस्थाएं खोली जाती हैं। हमने इसके बारे में पूरा पढ़ा भी था कि केवल सेवा के उद्देश्य से समाज के कुछ लोगों द्वारा ये चलाई जाती है, ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, वो भी अपनी पूंजी लगा सके थोड़ी थोड़ी करके और अपनी घरेलू स्थिति को सुधार सके, अपनी व्यापारिक स्थिति को सुधार सके। और कुछ लोग उसमें जो समाज से आते हैं निकल कर, कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, तो वो समाज सेवा के पर्पज़ से आते हैं, ठीक है, और कुछ लोग आपस में मिलकर इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं सेवा, और उनका उद्देश्य सेवा का होता है खुद के मेंबर्स के लिए, और जो कोई अगर मध्य अच्छा व्यक्ति आ रहा है तो केवल समाज सेवा के लिए इससे जुड़ता है, ठीक है। तो इसी और जबकि जो जॉइंट, इसके विपरीत जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। अब
नेक्स्ट इसका पॉइंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी किसी समुदाय के या ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर समुदाय के लोगों ने मिलकर जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर दी। जबकि इसके विपरीत क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो इसके सदस्य सब इसकी मेंबरशिप सभी लोगों के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड खुली हुई रहती है, कोई भी इसके शेयर्स खरीद कर इसका सदस्य बन सकता है। अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, इसमें कम से कम सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए, जबकि इसमें क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 सदस्य कम से कम होने चाहिए और पब्लिक लिमिटेड में 7 सदस्य होने चाहिए। और सहकारी समिति में इसका जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक होता है, यानी कि इसका प्रबंध जो है वो लोकतांत्रिक होता है। इसमें हर व्यक्ति, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत होता है, चाहे उस व्यक्ति का कितना भी शेयर हो, अगर उसने कोई शेयर फिलहाल खरीद भी नहीं रखा हो, अगर उसका सदस्य बन गया है तो हर व्यक्ति को एक वोट का सिद्धांत है, यानी कि सबको इक्वल राइट है उसमें भाग लेने का। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक जिसका भी शेयर है उसको एक वोट का, यानी इसका जो वोटिंग होती है वो एक शेयर एक वोट के आधार पर होती है। देखो डिफरेंस देखो, मैं इसमें आप ये समझा कि जैसे ना किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति ने उस कंपनी के 100 शेयर खरीद रखे हैं तो उसका जो अधिकार है वो उतना 100 के बराबर का रहेगा, वोटिंग जो उसका राइट रहेगा, ठीक है। और किसी ने उसके ना 20 शेयर खरीद रखे हैं तो उसका जो वोटिंग राइट रहेगा वो 20 शेयर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। पर इसके विपरीत सहकारी समिति में क्या होता है कि एक व्यक्ति चाहे उसने कितना भी शेयर खरीद रखा हो, चाहे उसने 10 खरीद रखा हो, चाहे उसने एक शेयर खरीद रखा हो, उसको उतना ही वोट, यानी उसको भी एक वोट का अधिकार होगा। और कोई व्यक्ति जिसने 50 शेयर खरीद रखे हो या 100 शेयर खरीदे उसको भी एक वोट का ही अधिकार होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम इसके आगे और डिफरेंसेस देखते हैं कि सहकारी समिति में जो प्रत्येक सदस्य है एक सीमा से अधिक पूंजी नहीं लगा सकता, यानी इसमें पूंजी लगाने की भी लिमिट है कि बहुत सारी पूंजी वो उसमें नहीं लगा सकता, उसको एक लिमिट तक ना बाउंडेशन होता है। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई व्यक्ति उसके कितने भी शेयर्स खरीद सकता है और कितने भी उसमें अपनी पूंजी लगा सकता है, इसमें उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और सहकारी संस्थाओं को क्या होता है कि सरकार पूरा सहयोग करती है और जो उनका इनकम टैक्स लगता है उसमें भी उनको पूरी रिबेट दी जाती है, और जो भी उनको खर्चे होते हैं स्टैंप ड्यूटी आदि के जो खर्चे होते हैं उसमें उनको फ्री रखा जाता है। पर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो उनको सरकार द्वारा ऐसी कोई भी रिबेट या प्रिविलेज नहीं दी जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें कि इसमें जो सहकारी समिति में जो पूंजी लगाते हैं लोग, ठीक है, उस पर जो एक फिक्स रिटर्न मिल गया वो उसमें डिवाइड हो जाता है लोगों में, बाकी जो सरप्लस अमाउंट होता है, जो सरप्लस प्रॉफिट होता है वो क्या होता है लोग आपस में नहीं बनाते, जबकि जो संस्था के जो सदस्य हैं उनमें वितरित किया जाता है, उनके कल्याण के खर्चों पर वितरित किया जाता है। जबकि इसके विपरीत जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रॉफिट शेयर देने की कोई भी लिमिट नहीं होती है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना शेयर में उनके लगाए गए शेयर्स की वैल्यू के हिसाब से बट जाता है। जबकि सहकारी समिति में एक फिक्स रिटर्न मिल गया, दैट्स इट, उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट है वो कल्याण, जो भी समिति के सदस्य उनके कल्याणकारी खर्चों पर, उन कल्याणकारी कार्यों पर खर्च कर दिया जाता है। तो ये हमारे डिफरेंसेस थे कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हमने एक तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में डिफरेंस देखा, फिर पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंस देखा, फिर हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंस। थैंक यू।